Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in. एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूपी सैनिक के लिए पार्ट नंबर 5. जल्दी ही आपका एग्जाम आने वाला है तो इन वीडियोस को पूरा देखें. ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम में रिपीट होते हैं. तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है. अगर आपने अभी तक फर्स्ट थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से उसको भी विजिट कर लीजिए जिससे कि आपके क्वेश्चंस की सीरीज बनी रहे. तो चलिए पार्ट नंबर थ्री में अपलोड कर चुकी हूँ. उसके बाद हम पार्ट 5 में बात करते हैं जिसमें जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. तो चलिए आपको पता है क्या करना है. जल्दी से निकाल लीजिए पेन एंड पेपर और अपनी आंसर की प्रिपेयर करते हुए चलेंगे. जो भी आपका इनकरेक्ट होगा सामने उसी के करेक्ट आंसर की बनाएंगे. और बच्चों के कमेंट तो आते हैं बट मार्क्स कोई नहीं बता रहा है. वीडियो को लेके कमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन यूजफुल है लेकिन मार्क्स आप नहीं बताते हैं. तो आपको मार्क्स भी बताने हैं कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते थे. तो आपका स्कोर भी जज हो जाएगा और आपने लास्ट वीडियो तक अपने स्कोर को कितना इंक्रीज किया है हमें भी पता चलेगा. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन प्रिवेंट डिजीज. इनमें से कौन सी बीमारी है जो अभी वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं हो सकती है. टीवी, ट्यूबरक्लोसिस जो है आपका, मिजालिस, एड्स या डिप्थीरिया, किसके वैक्सीनेशन अभी नहीं दिया जाता है. तो जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए. लाइक आपने जो भी आंसर मार्क करा है फिर उसे मेरे करेक्ट आंसर से मैच करेंगे. तो चलिए बताती हूँ कौन सी डिजीज है. ये एक वायरल डिजीज है जो वायरस से होती है बेसिकली. और इसका वायरस क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो क्या करता है, एड्स कोज करता है. और बच्चों एड्स की फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी एग्जाम में. ये हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है जिसकी वजह से इसमें क्या है, लाइफ नहीं बचती है. तो बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक इम्यून सिस्टम की कमी करने वाला सिंड्रोम है. और अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बना है. क्यों? क्योंकि जब ये वायरस, कौन सा, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हमारी बॉडी में एंटर करता है और रिप्रोड्यूस करता है तो ये कंटिन्यूअसली अपने वेरिएंट बनाता है जिसमें बार बार म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से इसका वैक्सीन अभी नहीं बना है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी. क्योंकि टीबी के लिए भी यहाँ पर वैक्सीन लगता है, खसरा मिजालिस का भी होता है और डिप्थीरिया, DPT3 डिजीज के यहाँ पर एक साथ वैक्सीन लगाए जाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस एंड टिटनेस के. तो एड्स का अभी यहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर सी है. आई होप आपका भी करेक्ट होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which mammal doesn't have vocal cords? इनमें से कौन सा मैमल है जिसके वोकल कोड्स नहीं होते हैं. वोकल कोड्स बेसिकली हमारे थ्रोट में मसल्स सिस्टम होता है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है. जब यहाँ पर हमारी साउंड वेव्स मूव करते हुए आती है तो इन मसल्स से टकराकर वॉइस प्रोड्यूस होती है. तो जिराफ, जिसके पास वोकल कोड्स नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर. How many bones does the human skull consist of? Human skull means जो हमारा brain portion है जिसमें सबसे ऊपर एक cranium covering होती है जिसको skull कहा जाता है, जिसके अंदर हमारा delicate brain protected होता है under the यहाँ पर fill होता है of the socks. तो यहाँ पर ह्यूमन स्किल कितनी बोन से मिलके बना है, 21, 22, 23, 24. तो करेक्ट आंसर इज 22 बोन्स का ये पूरा कलेक्शन है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. कंगारू इज द नेशनल एम्बलम ऑफ, कहाँ का नेशनल एम्बलम है, जैसे सरनाथ है हमारा इंडिया का, लायन, टाइगर, इस तरीके से. यहाँ पर सॉरी टाइगर की बात करें, नेशनल एनिमल. और कंगारू जो है कहाँ का नेशनल एम्बलम है, USA, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया. तो कहाँ का है कंगारू नेशनल एम्बलम, डी ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई होप अभी तक आपके सारे आंसर करेक्ट होंगे. An instrument used to measure the depth of the ocean. Very, very important question, बच्चों. बहुत बार अलग अलग एग्जाम में एक डिवाइस जरूर आता है तो उसमें से ये काफी बार रिपीट हो रहा है. तो हमारा जो ओशंस होते हैं, अगर सरफेस से हमें उनकी डेप्थ को, गहराई को मेजर करना है तो जो आपकी बोट्स होती हैं उन पर ये क्या, बोट्स या आपका शिप होते हैं उन पर ये मॉनिटर लाइक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. और जितनी साउंड टकराकर एज अ इको वापस आती
आती है उसी के हिसाब से बताया जाता है कि इस ओशन का डेप्थ कितना हो सकता है। तो क्या लगाया जाता है, डायनेमो, क्रेस्कोग्राफ, फैदोमीटर या क्रायोमीटर? तो द डिवाइस नेम्ड एज फैदोमीटर, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। सी इज द करेक्ट आंसर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है वी हैव अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वी कॉल्ड इट एटमोस्फेयर एंड देयर इज अ प्रेशर ऑन इट। तो इस एटमोस्फेयर पर हमारा एक प्रेशर लगता है, जो आपको पता है वेरियस लेयर्स आर देयर जिसमें हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो ये प्रेशर पर यूनिट एरिया, जितना बल फोर्स यहाँ डालता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर। और ये किससे मेजर किया जाता है, बैरोग्राफ, बैरोमीटर, सेस्मोग्राफ, एनीमोमीटर। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है बैरोमीटर, और जो इसका ग्राफ रेडी किया जाता है वो ग्राफ इसका रेडी होता है ऑन बैरोग्राफ। सेस्मोग्राफ की बात करें तो जो आपके अर्थक्वेक की सेस्मिक वेव्स होती हैं उनके मैग्नीट्यूड को आप मेजर कर सकते हो, उन ट्रीमर्स की जो वेव्स जनरेट होती हैं झटके लगाने के लिए, सेस्मिक वेव्स ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, उनको हम मेजर करते हैं सेस्मोग्राफ से। एनीमोमीटर की बात करें तो इट इज यूज टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, हवाओं की दिशाओं का स्पीड का पता लगाने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, बी। फाउंडर ऑफ जयपुर, जयपुर सिटी के जो फाउंडर है वो कौन है, कुली कुतुब शाह, गुरु रामदास, सवाई जयसिंह, जॉब चार्नॉक। तो किसने जो है जयपुर सिटी, जो कि पिंक सिटी भी कहलाती है एंड द सिटी ऑफ पैलेसेस, भी बहुत सारे पैलेसेस वहां पर होते हैं, तो किस कौन है इसके फाउंडर, सवाई जयसिंह। बहुत सारे फोर्ट और जो किले पैलेसेस है वो भी इनके नेम से। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड इन बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस। बच्चों ईयर भी आ जाता है कभी कभी, इवन ये यूपी सैनिक में क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिस्कवर्ड हुआ था क्या है, ये कॉन्टिनेंट है जो ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन इसको डिस्कवर किया गया, खोजा गया है इन 1491, 92, 93 और 94। तो करेक्ट आंसर इज 1492, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी तक आई होप आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिए जनरल साइंस से एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बताया था जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में कंडक्ट होता है, और साथ ही कुछ एसेसरी ग्लैंड्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं जो अपना सिक्रीशन प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर डाइजेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है ग्लैंड्स को लेके ही, इनमें से कौन सी ग्लैंड्स है जो ह्यूमन डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, लीवर, स्टमक या माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या नन ऑफ दीज। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बेसिकली हमारे माउथ में सबसे पहली ग्लैंड जो होती है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सिक्रीट करती है, आफ्टर दैट लीवर, लीवर सिक्रीट द बाइल जूस फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन दैट इज अ हेटरोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाज, जो अपना पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। तो ये तीनों ही एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो अपना डाइजेशन में रोल प्ले करती हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। Which acid is produced when milk gets so repeated so many times? And again, very important question for UP Sainik. इनमें से कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है जब आपका दूध खट्टा हो जाता है, मीन जिसे आप कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कहते हैं, दही जब आप बनाते हैं तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जिसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जो क्या करता है, दूध के लैक्टोज शुगर को, यू नो दैट दूध में आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता है एंड द शुगर इज लैक्टोज शुगर, ये जो बैक्टीरिया है, कभी कभी बैक्टीरिया भी पूछ लिया जाता है, तो आई एम मेंशनिंग हियर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये आपका बैक्टीरिया होता है जो मिल्क के लैक्टोज को क्या कर देता है, कौन से एसिड में कन्वर्ट करता है, नेम से ही आपको सजेस्ट हो गया होगा, दूध को दही बनाने वाला एसिड, क्योंकि दही आपकी एसिडिक होती है, पीएच 7 लेस देन 7, तो ये है आपका लैक्टिक एसिड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बिफोर दैट थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे हॉस्टल बैच की, जो कि हमारा एनसीआर से बागपत में, यूपी बागपत में है, एनसीआर रीजन डाली से 50 किलोमीटर्स पड़ता है, वहां पर हमारा वापस से बैच स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट सेशन के लिए, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, 100 सीट्स ही यहाँ पर हम रखते हैं, जिसमें आपकी ऑल इंडिया सैनिक में जो जाना चाहता है, या जो सिर्फ मिलिट्री की प्रिपरेशन करना चाहता है, या नवोदय जेएनवीज में जाना चाहता है,
तो यहाँ पर आरके मिशन है, आपका विद्या ज्ञान है, सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है, बच्चा जिसमें भी जाना जाता है उसी के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, एग्जाम सभी क्वालिफाई कराए जाते हैं। तो बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या आपके ब्रदर सिस्टर यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑन कॉल भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी एक बार आप विजिट करें तो ज्यादा बेटर होगा, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट दें और अपनी परफॉर्मेंस चेक करें। रिमेंबर कि 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, स्टार्टिंग से ही पढ़ने में फायदा है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, सिलेबस तो एक बार को कवर हो जाए बट द मेन थिंग इज दैट कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जब प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है तो जब तक आपको सिलेबस अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस इम्पॉसिबल है। तो क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सिलेबस कराने के बाद क्वेश्चंस के साथ महामॉक के साथ प्रैक्टिस कराई जाती है और डेली मिनी मॉक तो कंडक्ट होते ही हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं विद ज्योमेट्री स्कूल, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट ज्योमेट्री स्कूल का रहता है हर साल, तो आप एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अगर आप नहीं जाना चाहते हॉस्टल में, अपना स्कूल नहीं छोड़ना चाहते हैं, स्कूल में भी उसी ईयर पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी ज्योमेट्री के साथ तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, दैट इज www.geometryschool.in, या आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारा ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा जिसमें हम वीडियोस अपडेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ सिलेबस और लेवल ऑफ द पेपर। और अगर आप रिकॉर्डेड से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, उसके लिए भी आप पहले अपनी डेमो क्लास बुक करें, रजिस्ट्रेशन कर लें आप वेबसाइट पर, डेमो क्लास लें, सारी क्लासेस को अच्छे से डेमो चेक करें, उसके बाद ही आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, कोर्स कैसे परचेज होते हैं, किट ये कैसे परचेज कर सकते हैं, चाहे आप क्विजेस किट्स भी ले सकते हैं, तो आप इन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा रीच द पोर्ट ऑफ डैश इन 1498। वास्को डिगामा जब इंडिया आए थे तो कौन से हार्बर पोर्ट पर 1498 में पहुंचे थे? कैलिकट, दमन, सालसेटे, बॉम्बे। तो कहां पर रीच हुए थे? सबसे पहले तो वास्को डिगामा रीच टू कैलिकट पोर्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? बेसिकली जो हमारे वेदर फोरकास्टर्स होते हैं, जहां पर आर्कियोलॉजी वेदर की फोरकास्टिंग की जाती है, तो उसका भी अपना एक हेडक्वार्टर होता है। तो वो हेडक्वार्टर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है इंडिया का, वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे। तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ये कुछ क्वेश्चन है हमारे जो स्टार्टिंग जीके में आते ही आते हैं, जो मतलब आपकी जीके बुक से कंडक्ट किए जाते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स के बेस पे भी होते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बच्चों ध्यान से देखेंगे, हर बार क्वेश्चन लॉन्गेस्ट को लेके बहुत आता है और बच्चे फटाफट से आंसर लगा देते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल। तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट रिवर की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी, लंबी और बड़ी में फर्क होता है। लॉन्गेस्ट है हमारी नाइल और लार्ज जो है वाटर वॉल्यूम में भी सब में वो अमेजोन रिवर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लार्ज आपको ध्यान रखना है। तो नाइल लॉन्गेस्ट रिवर, अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर, बी इज द करेक्ट आंसर। What is the age of retirement of a judge of Supreme Court of India? Delhi Supreme Court के जो जज का एज है रिटायरमेंट का, वो कितना है? 62, 68 years, 60 या 65? तो करेक्ट आंसर एज जो जाती है वो है 65 years। और ये क्वेश्चन बच्चों RIMC में भी आ चुका है, मैं आपको बता दूं, और इस ईयर RMS ने भी इसको कंडक्ट किया है। तो आप इसे UP सैनिक 6th के लिए और 9th के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does vitamin K leads? देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, विटामिन से मैं मोस्टली फर्स्ट और थर्ड वीडियो में ज्यादातर क्वेश्चन कवर कर चुकी हूँ, और मैंने बताया भी था बेसिकली RIMC जो है उनके केमिकल नेम पूछता है, बट डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो RMS ऑल इंडिया सैनिक और यूपी सैनिक पूछता है। पिछली बार भी आई थी यूपी सैनिक और RMS में पिछली बार भी थी, विटामिन सी को लेके आई थी स्कर्वी, और ये इस बार का क्वेश्चन है दिसंबर 2023 का। विटामिन के से कौन सी कमी से डेफिशिएंसी होती है? तो मैंने बताया था विटामिन के क्या है, आयरन का सोर्स है, और आयरन आपके किसका पार्ट है? ब्लड का मेन कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन का। तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड के कोगुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, या कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ये बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन पे डिपेंड करता है। तो ये तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको प्रीवियस वीडियो से पता चल गया होगा, एक ही डेफिशिएंसी है। तो ब्लड का कोगुलेशन प्रॉपर क्लॉटिंग कोगुलेट नहीं हो पाता है अगर विटामिन के की कमी होती है, और एनी
एनीमिया भी होता है। अगर विटामिन ए के की यहाँ पर कमी है तो आप एनीमिया भी इसमें ऑप्शन आ सकता है, ब्लड की कमी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Which of these is not the part of five layers that are from Earth atmosphere? बच्चों जिसमें आपसे not या incorrect पूछा जाए, सबसे पहले पेपर में उसे हाईलाइट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हुए हम जज नहीं कर पाते कि पूछ क्या रहते हैं और हम गलत लगा देते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपका एटमोसफेयर है, आपका यहाँ पर हाइट से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है, देन वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें आपकी ओजोन लेयर होती है, देन द कोल्डेस्ट लेयर दैट इज मीजोस्फेयर, उसके बाद हम रीच करते हैं थर्मोस्फेयर में जिसके अंदर टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है, यहाँ पर इसके अंदर ही होती है आपकी आइनोस्फेयर, और इसके बाद आपका आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है एक्सोस्फेयर के बाद। तो दीज आर योर फाइव लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो आपको कौन सी लेयर इसमें नहीं दिख रही है? हाइड्रोस्फेयर, क्योंकि ये आपके बायोस्फेयर का पार्ट है। अगर आप अपने बायोस्फेयर की बात करें तो इसमें हमारा क्या है, लिथोस्फेयर दैट इज लैंड, और इसी तरीके से आपका वाटर वाला हाइड्रोस्फेयर, और यहाँ पर आपका ये हो गया आपका एटमोस्फेयर, तो ये आपका ये एटमोस्फेयर, तो ये होता है आपका बायोस्फेयर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डी एटमोस्फेयर का पार्ट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल, जो हमारा प्रोसेस होता है जैसे कि शुगर से बनाया जाता है एनारोबिक रेस्पायरेशन करके, कौन सी फंगस का इस्तेमाल करके, बेसिकली जो शुगर सिरप होता है, तो यहाँ पर शुगर सिरप में आपकी फंगस होती है जिसे आप कॉमनली यीस्ट के नाम से भी जानते हैं, जब आप यीस्ट पाउडर ऐड करते हैं और एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हुए ये बनाती है क्या, एल्कोहल, CO2 गैस एंड लिटिल बिट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, तो शुगर कन्वर्ट होता है किसमें, अल्कोहल में। तो जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, जिसकी खोज किसने की थी, लुईस पाश्चर ने, और ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, जिसमें आपका एनारोबिक रेस्पायरेशन करती है कौन, यीस्ट। और यीस्ट का भी अगर आपसे एक नाम आ जाए तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, कैसे भी घुमा के आ सकता है कि कौन यीस्ट में हम जो फंगस है वो कौन सी है, तो वो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है। ये एनारोबिक रेस्पायरेशन करती है, मींस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और शुगर सिरप को ये कन्वर्ट करती है एल्कोहल में। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिसकी डिस्कवरी लुईस पाश्चर ने 1857 में की थी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ फर्मेंटेशन। रिंगवर्म इज अ डैश डिजीज, डिजीज पे एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है, तो रिंगवर्म जो होते हैं आपके दाद हो जाता है वो किसकी, जैसे एथलीट फुट होते हैं तो ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगल या वायरल, तो ये होता है किसकी वजह से, फंगस जब लग जाती है गंदे पानी की वजह से, तो रिंगवर्म दाद आ जाता है इस तरह का, यहाँ पर खुजली टाइप हो जाता है, तो वो एक फंगल डिजीज है। सी इज द करेक्ट आंसर। When is the International Yoga Day celebrated? Every year International Yoga Day कब celebrate किया जाता है? तो आपको पता है जून में एक डे ऐसा होता है जो सबसे longest डे है, जिस पर summer solstice भी होता है, तो उसी दिन को चुना गया है internationally celebrate करने के लिए क्या, Yoga Day। तो इट इज द longest डे, तो करेक्ट आंसर क्या है, June 21 is decided as International Yoga Day। The age of tree can be determined, बच्चों static GK से और GK book से बहुत अच्छा question pick किया गया है। अगर आपको किसी tree की age का पता लगाना है तो आप उसको क्या करते हैं, कट जब आप करते हैं तो आप उसकी ये जो rings होती हैं, उसके tissues के maturation ring, आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो आपको हाइट से पता नहीं चलेगा, उसका डायमीटर कितना बढ़ गया उससे नहीं पता चलेगा, आप उसके वाटर ऊपर तक पहुंचाने की, जिसे एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, उससे नहीं पता लगा सकते, बट जो उसकी एनुअल ग्रोथ होती है, एवरी ईयर जब उसके टिश्यू डेवलप होते हैं तो उसकी ग्रोथ रिंग्स बढ़ती जाती है, आप उन्हें काउंट करके एज की ट्री की एज का पता लगा सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, मैं आपको हर वीडियो में 2-3 स्टडी जरूर करा रही हूँ, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो पूरे ब्रह्मांड की स्टडी क्या कहलाती है, पैथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी,
ऑर्निथोलॉजी, जियोलॉजी। तो अगर आपको अदर नेम्स भी पता है तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसे एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो यूनिवर्स में होती है उसकी स्टडी, जो इतनी भी एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज होती हैं, एस्ट्रोनॉमी जो बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडी जिन्हें आप बोलते हैं, उनकी पूरी स्टडीज स्पेस में हम करते हैं तो वो एस्ट्रोनॉमी भी कहलाती है। और यहाँ पर रशिया का जो रशिया का स्पेस सेंटर है दैट इज कॉस्मोस, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि यूनिवर्स की स्टडी कॉस्मोलॉजी कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर तो बी हो गया। पैथोलॉजी को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? पैथोलॉजी लैब में क्या होता है, आपके किसी भी ब्लड टेस्ट से डिजीज का पता लगाया जाता है, मींस पैथोजेंस का। ऑर्निथोलॉजी कई बार आया है, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और इसी तरह जियो मतलब जो आपकी अर्थ है उसकी स्टडी, दैट इज जियोलॉजी। तो डी यहाँ पर डी जियोलॉजी अर्थ की हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या जाता है यूनिवर्स की स्टडी के लिए, आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर, कॉस्मोलॉजी। द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मतलब कि जब वो हमें क्या अपना देश, हर चीज हमारी स्वदेशी हो, हमें अपना देश क्या था अपने पास लेना था पूरा, तो मूवमेंट टेक प्लेस हुआ था कब, स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया, चंपारण सत्याग्रह की वजह से, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके अवरोध गुस्से में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट किया गया, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट किया गया। तो जो स्वदेशी मूवमेंट था कि अब सब हम अपना भारतीय का इस्तेमाल करेंगे और सामान जो होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब, तो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया बंगाल पार्टीशन से गुस्सा होकर, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन कर दिया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो एंटी बंगाल पार्टीशन के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। In which year did Mahatma Gandhi return to India from South Africa? Very, very important question. बच्चों आपने सुना होगा 9 जनवरी every year we celebrate non-resident Indian Day, हम मनाते हैं जिसे भारतीय प्रवासी दिवस भी कहते हैं, और ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ईयर अभी आपको चूज करना है, महात्मा गांधी क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और उसका ईयर क्या है बच्चों, लास्ट ईयर RMS में भी आया था और उससे पहले RIMC में भी आया हुआ है, ऑल इंडिया सैनिक में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यूपी सैनिक में हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इस लेवल के, तो ये क्वेश्चन 6th या 9th किसी में भी आ सकता है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे। What is the volume of each dose of Covishield vaccine given to adult? COVID को लेके अच्छे questions आपको पता ही है, कई सालों से आ रहे हैं जब से 2020 में COVID आया है। तो basically कितनी each dose Covishield vaccine की दी जाती है adult को, 1 ml, 2 ml, 0.5 या 1.5? तो इसका जो correct answer है वो है 0.5 ml में ये Covishield vaccine adult को inject की जाती है, तो C is the correct answer। मंकी पॉक्स, यहाँ चार चिकन पॉक्स आप जानते हैं, रेबीज आपने सुना होगा, तो मंकी वो सब क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है, इनके जो सलाइवा में वायरस पाया जाता है, तो मंकी से जब मंकी पॉक्स होता है तो ये भी वायरस की वजह से होता है, तो इट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, बी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट दीज वर योर टूडेज 25 क्वेश्चन, आई होप यू लाइक द वीडियो, मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसके बाद आपका ऑल इंडिया सैनिक का एग्जाम है जिसमें अभी बहुत लंबा गैप है, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट को विजिट करें, ऐप को इंस्टॉल कर लें फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए तो एक बार एनरोल जरूर करें। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।